नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा पवार, दिल की बात एनपी फिल्म्स का साथमा आप सभी को हार्दिक स्वागत कर दूँ। दर्शकों, आज हमारे दगड़छन उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड की सुर कोकिला, जो द्वि युगों से ज्यादा गीत संगीत को सफर तय करनी छन, आवा मीना राणा जी से आपकी मुलाकात करौंदा, उनकी दिल की बात उनकी जुबानी सुनौंदा। नमस्कार मीना जी, हमारे कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मीना जी, सबसे पहले आप अपनी जन्मस्थली और अपने माता पिता को नाव जौन हमते ईदगाह प्यारो रतन दिनी और अपनी शिक्षा दीक्षा का बारे में कुछ बतावा। मेरा मूल गांव घुड़दौर सिंह पट्टी भटगियों गांव को नाव छे पौड़ी गढ़वाल बटी, और मेरे माता पिता को नाव छे श्री गुंदर सिंह और माँ को नाव श्रीमती बिमला देवी, और मेरी जन्मस्थली छे मसूरी, और मेरी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा अदा दिल्ली में हुई और अदा मसूरी में हुई। पहले तो दिल्ली में हुई और वे का बाद में मसूरी हूँ। मेरी बड़ी दीदी लीला देवी और रामलाल जी मेरा बड़ा जीजा छन, उनका दगड़ी 3-4 साल में मसूरी में रह के ओके पढ़ाई करी। आपन संगीत की शुरुआत कब और कन कह करी? मेरी संगीत, खैर हम गाने तो भी बचपन बेटी छो, बहुत जब छुट्टी छो तब बेटी गाँव छो, लेकिन शुरुआत जो है तब जब मैं मसूरी में पढ़ छो तो 10वीं कक्षा में छो, और उख ऑटम फेस्टिवल होता छा मसूरी में, तब मैं तो पता नहीं छो इसका ना, और सबसे पहले तो खैर स्कूल जब मैं पढ़ छो मसूरी गर्ल्स में, तो उख बटी एक हमारो कार्यक्रम उल स्कूल को कार्यक्रम एक ऑटम फेस्टिवल में रखी, तो उख मिल सबसे पहले एक हिंदी गीत कह छो नैनू मुबद्रच है, और वे का बाद आकाशवाणी क्लब होंदु छो जो ऑटम फेस्टिवल होंगे ना, तो वे का जो अध्यक्ष छा श्री अब तो मेरा जेठा जी छन मुकेश लाल जी, तो वो वे का अध्यक्ष छा, तब वे उनका संदर्भ में मतलब यो पहली पहली मतलब दूसरों कार्यक्रम मिल ऑटम फेस्टिवल बटी शुरू कर छो, तो वे का बाद फिर चल दे रहा। फिर मीना जी, मन चाहू हम सफर जीवन साथी मिल बहुत बड़ी बात होगी, और जो दुनियों की मंजिल एक हो, तो आप यह बतावा कि आप दुई कब मिलें और आप दुनियों को ब्यो कब दें? ये तो सच्ची बात कि एक ही मंजिल जो कि वो रास्ता भी आसान ले जाऊँ दूँ, और हमारो जो संयोग बनी वो हमारे घर बटी बनी कि लेकिन मेरी दीदी उमा आप जान दो ना उमा राणा जी, तो हम दुई बहनी अब तक खैर एक ही घर में छा, मेरी दीदी का दूर छन वो जो संजय कुमोला जी छन, तो वो मल बोली के हम दुई अगर एक ही घर में हो तो अछुरा लो, तो इन इन कह रही कि हमारो ब्यो है 2001 में, वहाँ से पहली जो मिल बताया छो आकाशवाणी क्लब का माध्यम से हम लोग मिली भी छा वे माँ, और उनते भी संगीत में रुचि है, पहले वो गीत गाँदा छा लेकिन अब बहुत अच्छा संगीतकार भी छन, तो इन्हीं मुलाकात हुई बस कार्यक्रमों में, और फिर मेरी दीदी तो भी हो ही ओली मीते अपनी सोचे कि द्यूरान भी बन जाते एक ही घर में रोला, तो आज अच्छा चलने चाहती। मीना जी, आपको पहलू गीत जो हमारे दर्शकों का सामने आई और जय गीतन अब तक हमारा दर्शक पसंद कर लगे कुछ जिनकी मिल बताया छो अभी कि आकाशवाणी क्लब में जब कह छो गीत, तब हमारा उत्तराखंड का बहुत अच्छा गायक छन मणि भारती जी, और उत्तराखंड का ही एक बहुत अच्छा डायरेक्टर छन श्री पूरन सिंह रावत जी, सजवान जी भी छा, तो यूं उम्मीद सुनी कि छोटी सी बच्ची अच्छू गाणी छ, तो एक वो पिक्चर बनाना छा ऊपर ही नौनी पिछड़ी नौनी, तब वही फिल्म में मिल गीत गए छो, और वही पहलू गीत छे बटी फिर शुरुआत होती रहे। हम सब जानदा कि नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे उत्तराखंड का लोक गायक छ, तो जब सबसे पहली आपन वो दगड़ी गीत गाई तो आपको अनुभव की छाई, और जो आपको मनपसंद गीत हो लो नेगी जी दगड़ आपन गए हो वे गीत की लाइन हमारे दर्शकों तक सुना। हाँ, नेगी जी दगड़ी जब गीत गाई तो मेरे भी बहुत सौभाग्य छ कि उनका दगड़ी मीते गीत गाने का अवसर मिली, और बहुत अच्छा लगनो छ कि लेकिन मैं भी उबरी 7-8 साल वेगी छा खैर मीते गांदा गांदा, पर वो भी अनुभव अलग ही छो, एक गीत रिकॉर्ड हुई छो हमारो भलु लगो दो भलु ली तेरो, बहुत उत्तराखंड में लोगों पसंद भी कह रही बहुत।
मीते भी बहुत अच्छे लग रो गीत वो दुई लाइन में सुना दो भलू लग दो मोहना तेरो हस हसी बचानो हे भलू लग दो हे भलू लग दो मोहना तेरो हस हसी बचानो हे भलू लग दो हसनो हसनो मयालो बचानो छियो मार जानो हे भलू लग दो भलू लग दो मोहना तेरो मीना जी जब अपन ये उत्तराखंड इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करी तब और आज की इंडस्ट्री में आप थे क्या अंतर लगते हैं? जब हम शुरू में आया था तब हम ते भी खैर अनुभव तक कभी भी पूरा नहीं उनके को लेकिन वो बड़ी हमारो बहुत ही नई अनुभव छ संगीत का क्षेत्र में पहली बहुत ही मुश्किल लग दो छे ना अब तो बहुत आसान है हर चीज़ लेकिन उबरी हर चीज़ म्यूजिशियन भी दगड़ी बैठा छन डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर भी दगड़ी छन सिंगर सब एक साथ गाता छा लोग म्यूजिक भी एक साथ बजू तो छ लेकिन अब संगीत जन जन अग्नि अग्नि काफ़ी साल वे गिनी अब संगीत का क्षेत्र में बदलाव संगीत में भी है गायकी में भी है और लुकों में भी है गया आजकल का बच्चों का हिसाब से गीत बनने लगे नहीं अब जन नई नई पीढ़ी आनी छन खैर प्रकृति को नियम जन होंगे कि चेंज है ना सब चीज़ चेंज होंगी तो हमारी इंडस्ट्री में भी चेंज है काफ़ी कि संगीत में बहुत चेंज हुए गए गायकी में भी बहुत चेंज हुए गए और गीतों में भी बहुत चेंज आ गया खैर आजकल तो बहुत चुनिंदा अच्छा अच्छा गायक आना छन जो कि लेखनी भी बहुत अच्छी चूँकि और इन्हीं अगर आंधी रहा तो अग्नि हमारे संगीत हमारे जो संस्कृति थी वो बची रह ली। मीना जी आपका हिसाब से लोक संस्कृति क्या छे? मेरा हिसाब से लोक संस्कृति लोक मतलब लोग जो हम आम लोग छा और जो आम लोग छन उनकी बोली भाषा उनको पहनाओ उनको रहन सहन उनको खान पान और अपना गीत बात ये अपनी लोक संस्कृति होनी चाहिए मेरा हिसाब से। मीना जी आपन क्या क्या भाषा में गीत गाई और आज तक आपन कद का गीत गाई होला? यूँ बहुत मुश्किल थी कि कद का गीत गाए होला और लगभग मिल अपनी उत्तराखंडी तो छेंच खैर गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी जौनपुरी भाषा में गीत का अलावा मेरी एक बहुत ही मुश्किल भाषा छ जो कि हमारा बिल्कुल हटके छ लद्दाखी भाषा में मैं गीत गई और उन तक मैं हिंदी में भी गया छन और भोजपुरी भी गया छो कभी बहुत पहली लेकिन मीते अपनी उत्तराखंडी भाषा बहुत अच्छी लगी थी और वहाँ से मिलती जुलती ये लद्दाखी भाषा छ उखो कल्चर भी मतलब पहाड़ी जन छ वो गीत अच्छा लग दी मीते और कम से कम सभी गीत लगे कि मेरा लगभग 11,000 तक मिलना अभी तक गीत गए नहीं। हमारा उत्तराखंड का गीतों का अलावा भी जन मीना जी ने बताया कि उन लद्दाखी के में भी गीत गाए और यूं थे लद्दाखी में लद्दाखी क्वीन को अवार्ड भी मिलियो और आप थे बताए दियो कि यून कम से कम 500 या 600 से ज़्यादा गीत गया होला तो मीना जी आप ये बतावा कि आपको लद्दाख में यूँ अनुभव कन रहे बहुत मतलब जन मीते अपना उत्तराखंड में लग दो जन प्यार मीते अपना उत्तराखंड में मिली उन्हीं प्यार बिल्कुल मीते लद्दाख में भी मिली मिल दूँ और अभी भी मिलू छे और बहुत उखा लोग बहुत अच्छा छन और बहुत गीत बहुत सुंदर होंगे उनकी धुने बहुत अच्छी होंगे नी बहुत मुश्किल होंगे पर बहुत भाषा बहुत ही मुश्किल छे लेकिन शुरू में जब मिल गया छो तो सिर्फ एक शब्द बोल नहीं से गवे फिर जब दूसरी कैसेट पर गवा जब कैसेट चल रही है तो एक लाइन उल नहीं से गवे फिर जब तीसरी बार में गवा तो एक गीत में पूरा एक अंतरा उल नहीं से गवा फिर इन दिन कह रही कि तब पूरा गीत गायन मिली फिर सब इन सोची के पता नहीं बिल्कुल लगनी तो लद्दाखी से और मतलब बहुत पसंद कह रही हूँ सभी ने तो मेरे भी दिल बनु एक मैं लद्दाखी गीत आप जरूर सुना जो कि बहुत फेमस हुई गीत लद्दाख में।
kitiyam namza shatus long slamin to barso kitiyam namza shatus long slamin to barso ai sinski tsesbu sinski tsesbi nangdo ahatarang yastorera ai sinski tsesbu sinski tsesbi nangdo ahatarang yastorera मीना जी, मोहना और चंद्रा का बाद हमारा दर्शकों का वास्ता कोई नई प्रस्तुति जैका बारा में आप विचार होला करना या सोचना होला कि अब दर्शकों ते मोहना और चंद्रा का और अच्छू वैसी कोई बतावा। हाँ, मोहना और चंद्रा का टाइम पर था पूरा 8 गीत होंदा चाहो बरी। अब कैसेटों के जमान उब गई हूँ और सीडी के जमान भी चल गई। अब यूट्यूब माध्यम रह गया एक जो कि खैर बहुत अच्छा माध्यम छ, लेकिन वे मामे एक ही दो गीत डाल सकता हूँ अपना ना। नंदा कैसेट द्वारा मेरो एक चंद्रा भाग 2 आनु छ, तो वे माँ मेरो चंद्रा इजन एक गीत बने हुए बैंड का दगड़ा, तो आप लोग जरूर देखें से भी अगला महीना शायद हुआ जालू। और चंद्रा भाग 2 वे को नौ चंद्रा ही भाग 2 रखी हुए, और मेरो अपनो भी एक चैनल बने हुए मीना राणा ऑफिशियल, वे मैं अभी मैं अपना नया नया गीत दिलूँ हर महीना हर 15 दिन में, तो आप वे भी जरूर देखें। और मेरी कोशिश है कि जो चंद्रा गीत बनी हुई वो आप सब भी होते हैं जन चंद्रा ही पसंद आए छो उन्हीं वो भी जरूर पसंद आ लो आप सब होते हैं। बहुत अच्छी बात है मीना जी, और हम उम्मीद करता कि जन और गीत आपका हमारे दर्शक पसंद कर दें, तन चंद्रा 2 भी पसंद कर ला। मीना जी, अपन बहुत गायक तगड़ी गीत गए उन्हें, पुराना होला नया होला पुरानो दगड़ तो आप गांदे ही छन, पर हम यू जान चाला कि नए गायको दगड़ आप को अनुभव क्या रांदो और आप कन के मैनेज कर दो। कई दफ़ा तो बहुत कठिनाई भी आंदी कि लेकिन हर नए गायक जो आंदे ने वो कोई सीख ही आंदे नहीं कोई नहीं आंदे नहीं, तो जो बहुत ही सिखाउन लायक आंदे नहीं तो हम उसे बोलना कि तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, किले खर्च करना चाहे का किले अपनो समय बर्बाद करना चाह, तो मतलब के और फील्ड में अपनो प्रयास करा, पर ये माँ कुछ सीख ही कया है ना, तो अग्नि भी अच्छा रहा लो तुम खुद भी अच्छा रहा लो, तो बहुत कठिनाई भी होती कभी कभी, तो नया गायक आजकल तो बहुत अच्छा कलाकार छन सभी, किले की जो हमारा नया बच्चा छन और ये जो नई पीढ़ी छे तो बहुत बुद्धिजीवी अच्छा, तो किले कि हमारा आजकल जो संगीत का क्षेत्र से जुड़े छन वो बॉलीवुड से बहुत प्रभावित छन, बॉलीवुड में एक एक सिंगर हो चाहे वो संगीतकार हो सब भी होते हैं आजकल, मतलब हमारा उत्तराखंडी नए नए बच्चों ते बहुत जानकारी छ कि सुर ताल क्या छ, तो जो सुर ताल को ज्ञात छ तो होते हैं अच्छी चीज़ पसंद आ, तो आजकल अच्छा गायक कलाकार छन लेखनी भी अच्छी छ और कंपटीशन भी बहुत, और यूट्यूब के लिए कि यूट्यूब का माध्यम से तो एक दो गीत गा सकते हैं, तो नया गायक कलाकार अपने आसान भी होगी कि वो एक ही गीत अपने यूट्यूब में डाल देनी, तो ऊँ दगरी आजकल ये परेशानी तो नहीं होती, खैर गाने में सब सुरताल में रहते तो ठीक लग, पहले तो आधा छा पहले बहुत परेशान भी होने से वो तो सिखाने में टाइम चल जाने चो काफ़ी, लेकिन अब अच्छा बच्चा आना चाहिए नया नया गायक, आजकल मार्केट में नया नया गीत छे आना, तो आपकी वो नयो गीतों में क्या राय छे कि पहला जन गीत आंदा छा अब वन्नी गीत छे आना या अब कन गीत आन चाहिए। आजकल जो छे नचने गीत ज़्यादा लोग प्रभावित छे उसे कि लगे अब जन पहली बटी छे नीच बात यूट्यूब एक माध्यम छे जेमा केवल एक या दो गीत हम लोग दे सकते हैं अपना, तो अब जो पहले हम गीत गाता था अपना पहाड़ा का अपनी माँ बहनों का गीत उनकी विपदा उनकी परेशानी जो भी कठिनाई जो भी उनसे, अब उन गीतों को गाने को टाइम ही नहीं चाहिए, किले कि लोग सोचते हैं कि दो गीत तो देना मन एक गीत तो वो किले ना हो कि इन गीत जो जेमा जो हिट हो, किले कि वो गीत जो छा वो सुनने लगे छा वो हम आराम से घर में सुन सकता अपना, तो उन टाइम तो छे नहीं के मो आजकल ब्यो बरातू में जो गीत चलिन बस वही हिट छन आजकल,
पर हमारी कोशिश इन्नी रांधी चे अभी तक था कि हम लोग जो परोसला अच्छे परोसला सभी को किले कि जो हम मन का गीत जो हमारा मन मछन गीत और मेरे जो अभी चैनल बनी मैं वादा कर दूँ सभी से कि अपना मन का गीत में अपना चैनल का माध्यम से दूँ चाहे वो कहते पसंद ज़्यादा ना हो पर मी तो बहुत अच्छा लग लो गीत दर्शकों जन मीना जी ने बोली कि उनको अपड़ू चैनल चा पहली तो बहुत बहुत शुभकामना आपते हैं और दर्शकों मीना जी को चैनल चा मीना राणा ऑफिशियल तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें और जय चैनल का माध्यम से आप तो मीना जी की नई नई चीज़ों का पता चल लूँ तो आप शेयर जरूर करें और जरूर देखें मीना जी आप गायकी का साथ साथ गृहिणी भी छन तो आप ये बतावा कि घर समाल बहुत बड़ी बात चा तो आप ये दो चीज़ कन के मैनेज कर दो बहुत मुश्किल हो लो कि घर भी देखना बाहर भी देखना अपना पूरा श्रोता होते भी दर्शक होते भी अपना कलाकार हों दगड़ी सब दगड़ी छप छुप रहा पड़ दूँ पर ये का पिछले जिनकी मिलना भी बोली छा कि मेरो परिवार चाहे वो मैथ बटी हो चाहे वो ससुराल बटी हो बहुत मीते सपोर्ट मिल दो अपने घरों को कि लेके हम कई दफ़ा तो हों दो दस दस दिनों को हम जाना चाह कार्यक्रम में लेकिन बच्चा भी छन उनको स्कूल भी छ घर छ पूरा सब कुछ देखना पड़ दो रिकॉर्डिंग भी छन सब कुछ लेकिन मेरे परिवारों को बहुत साथ छ कोमल जी को बहुत अच्छो दगड़ो छ कि चाहे उनको हो ना हो कार्यक्रम वो मी दगड़ी जाना छन अपनो सहरो काम छोड़ी के मी दगड़ी जाती नहीं नी तो परेशानी ना हो मतलब अरे वे का साथ साथ मेरी नणदे जिठानी मेरी बहनी मेरी दीदी हो माँ चाहे मेरी जिठानी हो मेरे माँ लोग भाई सब भाई बंद सब भी मतलब इतना सपोर्टिंग छन कि बहुत सपोर्टिव छन वो बोल देनी कि तुम आराम से जी खोले काम करा और घर बार हम देख लेना कोई बात नहीं तो मी तो बहुत कम परेशानी होगी अपना संगीत का क्षेत्र में अब ते बिजी रखना पहले भी हमारा दर्शक आप ते बहुत पसंद करता था और आज भी हमारा दर्शक बहुत पसंद कर दें और जन मैं जान दूँ तो 25 साल से ज़्यादा ही आप ते ये लाइन में भेजे हो ना इतना साल सफ़र कर बहुत बड़ी बात छा और मेरा हिसाब से तो फीमेल सिंगर का वास्ता यू बहुत बड़ी बात छा तो यहाँ बात को क्या राज चा जरा हमारे दर्शकों ने आप बतावा राज ये सच्ची कि लेकिन 25 वर्ष भी ते ही क्षेत्र में वेगिन संगीत का क्षेत्र में गांधा गांधा और ये का पिछले सबसे बड़ो साथ जो जो मेरे परिवार अब जो कि लेकिन जो संजय कुमोला जी छन अगर वो के और क्षेत्र में होता तो शायद मैं भी ये क्षेत्र में कम ही रहूँ तो वो भी ये क्षेत्र में जुड़िया छन संगीत का क्षेत्र में मेरे पूरा परिवार संगीत का क्षेत्र से जुड़े छे और शायद मैं तो लग दूँ कि जो गायक कलाकार छन पूरी श्रोता छन दर्शक छन वो मेरा गीतों ते पसंद कर देने और मेरे बहुत बहुत धन्यवाद कर दो आप सभी को कि आप लोग 25 वर्ष से मैं तो सुनना चाह और कोशिश रही मेरी कि अगर मैं अगले इन्नी गोलू अच्छा अच्छा गीत आप सभी को समझी लौंदू रोलू तो आप सभी को प्यार आशीर्वाद चढ़ू छे और मैं इन्नी गांधी रोलू जब तक आप चाहना जो हमारी आने वाली पीढ़ी छे और आने वाला गायक या गायिका छिन जो ये इंडस्ट्री में आन चाहती तो आप उठे क्या संदेश दे चांदा हाँ बस सबसे पहले तो जो भी आया उनखुणी अच्छो रालू चाहे वो गायक हो चाहे गायिका हो सीखी का अगर वो अच्छो सीखी का ला तो बहुत लंबी मतलब दूरी तय कर सकें वो किले कि जो ते ज्ञान होंडू तो वो अच्छो कर सकते हैं जन की पढ़ाई अपनी अगर पढ़ाई जो हो तो पढ़ाई से जुड़िया संगीत का क्षेत्र में हर चीज़ अगर अगर वो पढ़ा लिखा छन संगीत में रुचि रखता छन और संगीत भी सीखी हो चे तो वो अग्नि अच्छो कर सकते हैं तो मेरी राय तो यही है कि जो भी अग्नि और चाहना छन तो वो पूरा अच्छी तरह सीखी कहूँ ताकि वो अग्नि पढ़ू और अंत में आप हमारी फरमाइश पर एक गीत चंद्रा की दो लाइनें हमारे दर्शकों तक सुनावा
ये जो चंद्रा गीत छे ना बनवा बहुत आसान छे, लेकिन मी कुल एक का चैलेंजिंग छ जे एक तो फीमेल स्वर और वे के बाद बैंड बाजा में हम लोग वो करना चाह एक्सपेरिमेंट। हमने सोची पता नहीं कहते पसंद आलू कि नहीं आलू, और ऊपर से टाइटल सॉन्ग मतलब ये टाइटल सॉन्ग रखूँ जो हमारो पर बहुत प्यार मिली मिलते ही गीत का बाद पब्लिक को बहुत धन्यवाद कर दूँ मैं एक बार फिर सभीों को, सब सुन दरों को, सब देख दरों को, और मैं ये गीत की दुई लाइन सुनाऊँ छो उनके मैं तो याद नहीं रंदी ना पड़ा गीत पर थोड़ा याद हो लो। अगली बगीली लौंडा चंदरा, अगली बगीली लौंडा चंदरा, झिट है से जादो कितने है से जादो कितने है से जानो ये लौंडा चंदरा, दातुड़ी दिखीली लौंडा चंदरा तेरी, दातुड़ी दिखीली लौंडा चंदरा, घुगती की घोली लौंडा चंदरा, घुगती की घोली लौंडा चंदरा, रूप सिगे चीन मायाली मुखड़ी मा, मायाली मुखड़ी मा ये लौंडा चंदरा, रौनक दिखे दी लौंडा चंदरा जरा, रौनक दिखे दी लौंडा चंदरा। और ये गीत का बाद जब मिल गया ये गीत और लोगों पसंद भी कह रही ता आज तो हमारा बीच नहीं छन हमारा उत्तराखंड का गढ़ लोक गायक स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह राही जी उनको नौ भी चंद्र छो तो बोल बोली बेटा वाह तिल यो गीत गाय कि मी तो दोबारा जवान कह रही ली बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तो मी तो बहुत अच्छी लगी कि अच्छा ये तो पसंद कह रही सभी उन गीत तो बस मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ और एन पी फिल्म्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद आप ये चैनल का माध्यम से मी ते भी देखना चाह और सब भी होते हैं आप ये चैनल का माध्यम से देखना तो एन पी फिल्म्स ते बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बधाई और यू खूब अगले चलो ये चैनल बहुत अच्छे फलो फूलो मेरे ये भगवान से प्रार्थना जी। मीना जी आपसे बात करी कि बहुत अच्छी लगी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपन अपनो ईदगाह कीमती समय हम तय दिनी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा पवार जी बहुत उभरती हुई बहुत अच्छी कलाकार छा तुम और आपते भी बहुत बहुत मेरी शुभकामना बताई धन्यवाद। दर्शकों ये छे हमारी एक मुलाकात उत्तराखंड की बेटी हमारी सुर कोकिला मीना राणा जी से। अगले यानी आपकी मुलाकात नई हस्तियों से करौंदा रला हर रविवार दोपहर 3 बजे देखना भूलें एन पी फिल्म पर और हमारा चैनल थे लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।